अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन एंड शाइन हूँ। आज ये आप इतनी सारी आई शेडो पैलेट्स देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आई शेडो पैलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की। लाइक ये है मिस्ट्रोस की, ये है ग्लैमरस की, ये है रोमांटिक आई शेडो पैलेट्स, एंड देन ये छोटी छोटी आई शेडो पैलेट्स हैं यहाँ पे। ये एक ब्लश की किट पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ों से आज हम सीखेंगे कि हम घर में एक हाईली क्वालिटी आई शेडो पैलेट किस तरह अचीव कर सकते हैं, उससे किस तरह एक अच्छी लुक अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके, थाउजेंड्स रुपीज़ इन्वेस्ट करके फिर आप एक अच्छी आई शेडो पैलेट बाय करें, बल्कि जो हमारे घर में या इजीली मार्केट में अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, हमारे पास पॉकेट फ्रेंडली है। लाइक इस तरह की आई शेडो पैलेट आपको कोई भी 1600 to 1800 के राउंड अबाउट मिल जाएगी। ये वाली ग्लिटर आई शेडो पैलेट जो है मिस्ट्रोस की, ये भी इजीली आपको 700 to 800 के राउंड अबाउट मिल जाएंगी। ग्लैमरस की ये शिमर आई शेडो पैलेट, ये भी आपको 1000 to 1100 की रेंज में मिल जाएंगी। बाकी ये मिनी आई शेडो पैलेट्स हैं इस तरीके के, छोटे छोटे जिस तरह के कलर्स जो कि डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, ये भी आपको इजीली मार्केट में 250-300 के राउंड अबाउट मिल जाएंगी। इस तरह के न्यूड शेड्स जो हैं, इस तरह की भी इजीली आपको मार्केट में 200-300-350 की राउंड अबाउट मिल जाएगी। मींस ये सारी वो सारी आई शेडो पैलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बजट फ्रेंडली है। हर बंदा इसको इजीली बाय कर सकता है अपना मेकअप, एक गुड लुकिंग मेकअप अचीव करने के लिए। आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चले चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। रुके रुके, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये तो ज़रूर अब बनता ही बनता है। इतनी सारी भाई आई शेडो पैलेट्स हैं, देख के तो वैसे दिल को ठंड पड़ जाती है। लड़कियों को मेकअप दे के ठंड ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ, किस तरीके से हम एक अच्छी आई शेडो पैलेट, हाईली पिगमेंटेड पैलेट्स, किस तरह हम लोग इन पैलेट से उन शेड्स को बना सकते हैं। लाइक अभी मैं छोटा सा डेमो आपको दूंगी। अगर मैं कोई भी इस तरीके का कलर लूँ, लाइक ये येलो कलर है, ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लगाया, तो अभी इसका पिगमेंट बहुत लाइट आपको शो हो रहा होगा, इनफैक्ट बहुत कम फील हो रहा होगा। अगर मैं इसी पिगमेंट को छोटे से ट्रिक के साथ करूं तो डेफिनेटली ये बहुत होगा। मैंने ये थोड़ा सा पानी लिया है, मैं वेट करूंगी इस तरीके से अपनी फिंगर को। ये मैंने वेट किया, इसी आई शेडो पैलेट में से मैंने यही कलर चूज़ किया और देन अप्लाई। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने पहले अप्लाई किया, ये मैंने बाद में किया, इसका पिगमेंट कितने अच्छे तरीके से आया। मार्केट में पॉलर्स ने इसी तरीके का सीक्रेट यूज़ किया जाता है कि वो इजीली इन सब अफोर्डेबल पैलेट से एक हाईली पिगमेंटेड आई शेड्स इस तरीके से उसमें पॉलर्स में इस तरीके से लुक अचीव की जाती है। लाइक कोई भी आप कलर ले लें, मैंने सिंपल एक पर्पल शेड ली है, मैंने इस तरीके से इसको ये देखे लगाया, थ्री टाइम्स मैं इसकी एप्लीकेशन को ये कर रही हूँ, तो ये शेड आया, ठीक है। अब यही अगर मैं फिंगर को मैंने वेट किया, ये कलर लिया, ये देखिए, इजीली आई थिंक सो आपको नजर आ रहा होगा इसके पिगमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से वेलवेट शेड्स अगर आप चूज करते हैं, ये एक वेलवेटी शेड है, ये शिमर आपको फील हो रहा होगा, ये एक वेलवेट शेड है, इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, ये थ्री टाइम्स मैंने एप्लीकेबल किया है जी, तो ये शेड बनी है। इसी तरीके से अगर मैं पानी से थोड़ा सा वेट करूँगी, देन इसी शेड को मैंने लिया और ये ले जी। होप सो आपको मेरी ये फर्स्ट ट्रिक पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपने अपनी आई शेडो पैलेट्स में से कलर्स चूज़ करने हैं, हल्का हल्का सा पानी का टच दे के आपने। अगर आप, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो वेलवेटी शेड्स होती हैं इनको अगर आप इस तरीके से ब्रश से लगाएं तो ये इतनी पिगमेंटेड नहीं होती। ये देखिए, इतना पिगमेंट नहीं आ रहा होता। अगर आपने वेलवेट शेड्स को कोशिश करनी है कि आप ब्रश से मत यूज़ करें, क्योंकि आधा प्रोडक्ट तो ब्रश ही खा जाता है, तो हमने अपने प्रोडक्ट को खाने नहीं देना ब्रश को, हमने कोशिश करनी है कि हम हाथ से अप्लाई करें। मैंने पानी लिया, मैंने वेलवेट शेड ली, ये मैं यहीं पर लगा के दिखाती हूँ। कैन यू सी द पिगमेंट ऑफ ब्राउन कलर, सी दैट प्लीज, ये देखिए, ये सारे पिगमेंट्स मैंने आपको लाइट,
डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, एक ही मैंने आई शेडो लिया, ये इसका एक ही लिया, उससे नेक्स्ट पानी के साथ लिया, तो ये इसका बन गया। और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा कि आप शादी पे जाएंगे, फंक्शन अटेंड करके वापस भी आ जाएंगे, तो इसका पिगमेंट कहीं नहीं होगा, टस से मस नहीं होगा। ये थे हमारे नॉर्मल जो आई शेड्स हैं डेली रूटीन में भी यूज़ करने वाले, उनका हैक। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सेकेंड हैक। अब हम जाएंगे अपने सेकेंड हैक की तरफ कि किस तरीके से हम ग्लिटर से काशिश टाइप ग्लिटर्स, 3D ग्लिटर्स किस तरीके से बना सकते हैं। हर कोई बंदा काशिश की आई शेडो पैलेट को अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना हमें अभी ज़रूरत है लेने की, क्योंकि अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए यही सारा मेकअप बहुत काफ़ी है, बल्कि उनके लिए तो एक जस्ट आप ये ग्लैमरस की, सॉरी आप ये रोमांटिक पैलेट ले लें, इसमें शेफर की भी आती है, आप वो बाय कर लें और देन मिस्ट्रोस बाय कर लें। इतनी सारी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो पैलेट्स आप बाय कर लें, आपका काम इजीली चल जाएगा। इवन जिनकी शादी भी होने वाली है उनके लिए भी ये दो पैलेट्स इनफ हैं। अब हम चलेंगे कि 3D ग्लिटर पैलेट से हम किस तरीके से इस पैलेट को अचीव कर सकते हैं इस सिंपल पैलेट से। तो देखें, अभी मैं आपको छोटा सा एक डेमो देती हूँ। लाइक आपने ये कलर चूज़ किया, ये है स्काई कलर के चंक्स, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया, ये है जी स्काई चंक्स, ठीक है। अभी ये सिंपल आपको स्काई कलर नज़र आ रहा है, आपने कोई भी स्काई कलर का ड्रेस वेयर किया तो आपका दिल करेगा कि भाई मैं इस तरीके की कोई आई शेड अप्लाई करूं, बट अगर आप इस तरीके से लगा लेंगी तो ये सिंपल सी शेड होगी और इतनी उठ के नहीं आएगी ना, मतलब ठा करके एक लुक नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसको 3D बनाने के लिए। तो अब हम 3D इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सिल्वर उठाना है, ठीक है, आपने एक सिल्वर इस तरीके से लगाया, ओके, ये आपने अप्लाई किया सिल्वर, देन आपने उसके ऊपर स्काई अप्लाई करना है, अब आप ये डिफरेंस चेक करें, ये स्काई बेटर लग रहा है कि ये स्काई, भाई जिसको ये स्काई बेटर लग रहा है वो यही स्काई अप्लाई करे, इसी तरीके से अप्लाई कर ले, सिंपल पैलेट से लिया और आपने अपने ब्रश से या अपने फिंगर से लगा लिया। बट अगर आपको 3D कलर चाहिए तो 3D कलर्स इस तरीके से आते हैं, इसमें ऑलरेडी सिल्वर भी है, स्काई भी है और हल्का सा गोल्डन का टच भी। अगर आप चाहते हैं इसको ज़्यादा 3D बनाना, ठीक है, तो आप हल्का सा गोल्डन का चंक लेंगे इस तरीके से, देन यू विल अप्लाई इट। ये देखें किस तरीके से 3D कलर ये हमारे पास, हमने इसको अचीव कर लिया है। इस तरीके से अगर आप एक ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है, आपने ये जी ब्लू अप्लाई कर लिया, ये ब्लू आप देख रहे हैं, सिंपल ब्लू ड्रेस के साथ आपने ब्लू अप्लाई करेंगे तो वो एक अच्छी सी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, आपने इसी तरीके से पहले ब्लू लिया, ओके, अप्लाई कर लिया, अब आपने क्या किया, सिल्वर उठाया और ये ले, फिर हल्का से ब्लू उठाया और ये ले, ये बन गया हमारा 3D शेड और ये बन गया, ये है जी हमारा सिंपल शेड। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, देन इसी तरीके से आप स्काई कोई भी ये पर्पल शेड लें, देखिए इसको आपने 3D बनाना है, ये आपने लिया, इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर लें, मैं ये कलर लूँगी इसमें, ये पिस्ता कलर है, ये देखिए, ये देखिए शेड्स, ये 3D कलर्स चेक करें, ऐसे मैं कोई भी ये ब्राउन कलर ये लूँगी, ठीक है, इसमें मैंने गोल्डन के चंक्स ऐड किए हैं थोड़े से, ये देखें, होप सो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप सिंपल कोई भी शेड अप्लाई कर लेते हैं ना उठा के, तो वो लुक नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। तो आई थिंक सो ये बहुत मज़े की शेड्स इस तरीके से निकली हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स निकल रहे हैं, जो कि मतलब अगर आप अकेला, कुछ लोगों का होता है ना कि भाई हमने आईज़ मेकअप हैवी करना है, हमने बाकी फेस को लाइट रखना है, तो अगर आप इस तरीके से शेड्स बनाते हैं तो देखने वाले की नज़र पहले ही आपकी आंखों पर जाके लगती है। तो आपने अगर इस तरीके की लुक अचीव करनी है तो इस तरह के हैक्स यूज़ करने हैं। अब देन मैं आपसे बात करती हूँ, अगर हम इस तरह की शिमर शेड्स अगर हम अप्लाई करना चाहें, तो ये आप एक कलर ले रहे हैं,
आपने अगर इसको सिंपली इस तरीके से लगाया है तो इसका पिगमेंट इतना अच्छा नहीं है। वही बात, आपने पानी लेना, थोड़ा सा कलर लेना है, एंड देन ये आप इसका पिगमेंट चेक करें। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखें आपने ये कलर लिया, इसको ये लगाया, पानी लिया, देन इसको फिर अप्लाई करें या आप इसका पिगमेंट चेक करें। इसी के ऊपर आपने कोई भी ग्लिटर शेड्स अप्लाई करनी है तो ये लें, ये सिंपली अप्लाई की। अब जब आप इसके ऊपर हल्का सा सिल्वर की तरह अप्लाई कर देंगे तो अब आप इस शेड को देखें, ये थे जो सारे आज के हमारे हैक्स। देन एक और हैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आपने कोई शेड अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपने अपनी आईलेट को अच्छे से प्राइम कर लेना है, देन कंसील कर लेना है किसी भी कंसीलर से या किसी भी इस तरह की बेस के साथ आपने कंसील कर लेना है। अच्छा, जब आपने इस तरह की बेस अप्लाई करनी है ना, ये देखें इस तरह आपने पहले अप्लाई कर दी, अप्लाई के बाद आपने इसको इस तरीके से फ़ौरन से शेड उठा के इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर देनी। आपने ये बेस अप्लाई की, आपने क्या करना है, कोई भी पाउडर लेना है, फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये लिया, आपने पहले इसको सेट करना है अपनी आई को इस तरीके से। कंसील किया फेस पाउडर से, आपने इसको सेट किया, सेट करने के बाद आपने अगर तो सिंपल कोई भी आई शेड अप्लाई करनी है, आपने ब्रश से उस आई शेड पैलेट में से कलर लिया, देन आपने इसको उस पर अप्लाई कर देना, ठीक है, ये ले जी। इससे आपका पिगमेंट बहुत ही अच्छा आएगा ऐसे, विदाउट कंसीलिंग, विदाउट फेस पाउडर आपने अपनी आई पे आई शेडो अप्लाई नहीं करनी, उसका पिगमेंट कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक हो गया। अगर आप पानी यूज़ नहीं करना चाहते उस वक्त, अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है, अपने ब्रश पे सेटिंग स्प्रे करें, आई शेडो पैलेट में से कोई भी कलर लें, देन अप्लाई कर लें, इतने लॉन्ग लास्टिंग ये बनेंगे कि इसका बिल्कुल भी फॉल नहीं होगा, फॉल आउट नहीं होंगे बिल्कुल भी, पिगमेंट बहुत देर तक रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, हाईली पिगमेंटेड आई शेडोज़ ये इस तरीके से बन जाएंगी। ये था जी आज का हैक्स, आज के हैक्स, और अगर आपको पसंद आए हों सो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।